अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्ती वीडियो लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाली है। थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज मैं किस चीज़ के बारे में आपसे वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और आप सब जानते हैं कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि हर बंदा जो है यही पूछता है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, हेयर फॉल के लिए कुछ बता दें, हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा फ्रेजी हैं, बाल जो है शाइन नहीं करते हैं, साथ साथ हमारे बालों में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कभी कभी ऐसे होता है कि आपके बाल जो है बिल्कुल रफ हो जाते हैं, बाल जो है बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, और जब वो डैमेज होते हैं तो वो फिर टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, बालों में हेयर फॉल हो जाता है। वो जड़ से तो ऑलरेडी टूट रहे होते हैं क्योंकि वो डैमेज हो जाते हैं, उनमें कोई जान नहीं होती है, लेकिन वो जो है जड़ से भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे बालों को केराटिन की बहुत ज़रूरत होती है और जब ये हमारे बालों में नहीं होती है तो हमारे बाल बिल्कुल रफ़ हो जाते हैं बालों में, और जब ये रफ़ होते हैं तो ये टूटना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं होती है। मैं एक ज़बरदस्त सा हेयर मास्क आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो इससे आपके बालों में जान भी आएगी, आपके बाल जो फ्रेजी हैं वो भी ठीक होंगे, आपके बाल डैमेज हो चुके थे वो भी इम्प्रूव होंगे, साथ साथ आपके बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी कंट्रोल होगी। तो जो हेयर मास्क आज हम तैयार करने जा रहे हैं वो है राइस हेयर मास्क, यानी कि चावलों का हेयर मास्क। चावल जो है आपको पता है राइस जो है हर घर में अवेल होते हैं और बहुत ज़्यादा इनको पसंद किया जाता है, लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सब चीज़ें जो है आपको अपने किचन से ही इजीली मिल जाएंगे। आप सब जानते हैं कि चावलों का जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारे बालों के लिए, उसके जो है स्प्रे बनाकर हम बालों पर करते हैं तो हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा सिल्की होते हैं, स्मूथ होते हैं, शाइन करते हैं, और साथ साथ ही चावल जो है हमारे बालों में कंडीशनर का काम भी करता है। तो आप सब जानते हैं कि जब हम फेस को वॉश करते हैं तो हमारा फेस जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, और हमें जो हम जो है अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करते हैं, मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करते इस तरह की चीज़, तो हमारी स्किन जो है ड्राई रहती है, स्किन पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो उसी तरह हमारे बालों को भी ज़रूरत होती है, जब हम बालों को वॉश करते हैं तो हमारे बालों को भी एक मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। जब हम वो अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे बाल जो है डैमेज भी होंगे, बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी होगी। आप वो कंडीशनर अप्लाई नहीं भी करते हैं तो आप अपने बालों पर हफ्ते में एक दफ़ा हेयर मास्क लाजमी अप्लाई किया करें, उससे आपके बाल जो है कंडीशनर भी रहेंगे, साथ साथ आपके बाल सिल्की एंड स्मूथ भी रहेंगे और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी कंट्रोल रहेगी। तो आइए जल्दी से हम इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरे पास जो है राइस है और मैंने इसको जो है पहले ही पानी में भिगोकर रख दिया था। आपने जो है चावल ले लेने हैं और उनको एक से दो दफ़ा जो है अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने उनको पानी में भिगोकर रख देना है, आपके पास उससे ये होगा कि जो चावल है वो नरम हो जाएंगे और आपको बॉईल करने में आसानी होगी। चावल जो है जिस तरह हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, उसी तरह हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बॉईल कर लेना है और बॉईल करने के बाद जो है मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों, जो हमारे राइस थे वो हमने कर लिए हैं बॉईल। आपने जो है चावलों को अच्छे से बॉईल कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। इससे हम केराटिन हेयर मास्क रेडी कर रहे हैं। आपने किसी मिक्सी में डालकर इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। मैं मिक्सी में डालकर इनको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। आप अपने बालों के हिसाब से ले सकते हैं जितना आपके बालों की लेंथ है उनके। दोस्तों, नेक्स्ट हमें चाहिए कर्व यानी कि दही। तो हमने जो है इसमें दही का इस्तेमाल लाजमी करना है। दही हमारे बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाती है, हमारे बालों में शाइन लाती है और साथ साथ हमारे हेयर फॉल को भी कंट्रोल करती है। तो आपने क्या करना है, 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर आपने इसमें दही के ऐड करने हैं और अब इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
तो दोस्तों मैंने इसको कर लिया है ग्राइंड, और ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही क्रीमी सा सॉफ्ट सा आपका जो है पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। जिस तरह ये देखने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ लग रहा है, इसी तरह ये हमारे बालों को भी सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है, साथ साथ हमारे बालों में शान लेकर आता है। नेक्स्ट तो दोस्तों नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। आप कोई भी ऑयल इसमें ऐड कर सकती हैं, अगर आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकती हैं, कैस्टर ऑयल भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं, जो भी आप इस्तेमाल करती हैं जो आपके बालों में सूट करता है आप वही इसमें ऐड कर सकती हैं। अब मैं यहाँ पर जो है कोकोनट ऑयल इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर आपने जो है इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करना है, और अब इनको अच्छे से आपने करना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद जो है आपका ये ज़बरदस्त सा हेयर मास्क बनकर रेडी हो जाएगा। आपने इसको अपने बालों पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है, पर आपने अपने बालों की लेंथ पर, रूट्स पर इसको अच्छे से अप्लाई करना है ताकि ये अपना वर्क अच्छे से कर सके। नए ज़बरदस्त रिजल्ट है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। केराटीन हेयर मास्क है और बहुत ज़बरदस्त है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिना किसी साइड इफेक्ट के है। हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाते हैं, हमारे बाल हमारे फेस पर रिंकल्स झुर्रियाँ आ जाती हैं, ब्लैक पैचेस और साथ साथ रिंकल्स की प्रॉब्लम, डार्क स्पॉट डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको ख़त्म करते हैं। बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, बाल सिल्की नहीं है, बाल बहुत ज़्यादा फ्रेजी है, बालों में चमक नहीं है, शाइन नहीं है, बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो आप इन तमाम प्रॉब्लम से इस हेयर मास्क को ख़त्म कर सकते हैं। इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक चुकी है, या भी हेल्प करेंगे, आपके बालों की ग्रोथ भी तेज़ होगी, आपके बाल जो है सिल्की एंड स्मूथ भी होंगे, बिल्कुल आपके बाल जो है नरम मुलायम हो गए। अगर केराटीन हेयर मास्क का नाम तो आपने सुना होगा जो बहुत ज़्यादा वायरल है, उसी तरह ये वर्क करता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बालों की और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो आप इस हेयर मास्क को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसके बेनिफिट्स नज़र आएंगे। आपके बालों को मॉइस्चराइज रखते हैं, बालों को खूबसूरत बनाते हैं, घना करते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कम हैं, गिरते हैं, झड़ते हैं, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रेजी हो चुके हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपके बाल झाड़ू की तरह हो चुके हैं, तो ये हेयर मास्क जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में आपने इसको एक दफ़ा लास्ट में इस्तेमाल करना है, एक दफ़ा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बालों को जो है मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस तरह हमारी स्किन को होती है। आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।